Hello everyone and welcome back to my another vlog. If you're new to my channel, do subscribe to my channel and hit the bell icon and let's get started. So the topic is Girls Day Out. If मैं कभी करती हूँ तो मैं ऐसे मेकअप एंड आउटफिट कैरी करना पसंद करूँगी और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक कैरिएबल है. तो आप ऐसे कर सकते हो और यहाँ पे अपने मैं हेयर बैंड और अपने बालों को अच्छी तरीके से क्लच कर ली हूँ ताकि मेरे को मेरे बाल सब डिस्टर्ब ना करें. सो यहाँ पे मेरे पास एक प्यारा सा स्क्रंची है जो कि मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से लिया है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे मैं लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ अपने फेस में. तो यहाँ पे मैं अच्छे अमाउंट से मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ ताकि मेरा जो मेकअप बेस बने वो बहुत ही स्मूथ और फ्लॉलेस बने और बहुत देर तक टिके रहे. सो अच्छे से इसको मसाज कर दीजिएगा, कम से कम एक दो मिनट छोड़ के प्राइमर यूज़ कीजिएगा. सो ये रहा मेरा बॉन्जर का प्राइमर. तो फिर ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है तो आप ऐसे इसको टी जोन एरिया में, आपके फेस के टी जोन एरिया में लगा सकते हो अच्छा से और अच्छे से इसको ब्लेंड कर दीजिएगा अपने हाथों से. और उसके बाद एक मिनट रुकने के बाद फिर आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. मैं यहाँ पे लैक्मे 925 फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ऑफ 309. तो ये एग्जैक्टली मेरा शेड से पूरा मैच करता है. तो फिर मैं ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा देर के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये चीज़ ध्यान में रखें. तो यहाँ पे मैं अपने फेस में डॉट करके अपना फाउंडेशन को यूज़ कर रही हूँ. फिर इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दूँगी. तो आप भी ऐसे कोई भी डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से आपके फाउंडेशन को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दीजिएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइक थोड़ा थोड़ा लाइक प्रोडक्ट लिया है ताकि मेरा फेस केकी फील ना हो और आप भी ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट करके ही यूज़ करें. फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड 01. तो ये बस मैं अपने अंडर आई एरिया में और मैं जहाँ पे डार्क स्पॉट थोड़ा सा ज़्यादा है मैं बस वहीं पर यूज़ कर रही हूँ. और इसके बाद मैं अपने वही ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ. फिर मैं यहाँ पे डार्क शेड का HD प्रो कंसीलर यूज कर रही हूँ जो कि मेरा अच्छे से कॉन्टूरिंग करने में हेल्प करेगा. तो मैं हैवी कॉन्टूरिंग नहीं करूँगी, बस बहुत लाइट, सिर्फ अपने चिक्स में और अपने नोज के पार्ट में बस ये थोड़ा सा ही ब्लेंड कर दूंगी और उसके बाद ऑल सेट. सो मैं अपना ब्लश यूज़ करने के लिए मैं बॉन्जर न्यूड लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ. तो ये लिपस्टिक न्यूड कलर का है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिपस्टिक ले रही हूँ और मेरा मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी अच्छे से. और इसके बाद अपने चिक्स में लगा लूँगी एज अ ब्लश. तो ये बहुत अच्छा लाइक ब्यूटीफुल सा ब्लश क्रिएट हो जाता है. तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो. तो याद रखिएगा वो लिपस्टिक मैट नहीं होना चाहिए और मुझे ब्लश और ही लगाना पसंद है तो आप और ब्लश यूज़ कर सकते हो. तो या मैंने और थोड़ा सा ब्लश यूज़ कर रहा है, मतलब लिपस्टिक यूज़ कर रहा है एज अ ब्लश. तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो और अपने ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर सकते हो अच्छे से. देन मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन अ शेड ऑफ वार्म न्यूड. तो यहाँ पे मैं पूरा अपना फेस को अच्छे से सेट कर दूँगी ताकि मुझे मतलब पसीना बहुत जल्दी आ जाता है तो लाइक मेरा मेकअप भी सेट रहे और लाइक ज़्यादा पसीना पसीना फील ना हो. एंड या दैट्स इट. देन मैं यहाँ पे मार्स का बेसिक आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 02. और यहाँ पे मैं वही लाइट ब्राउन शेड का आई शेडो ले रही हूँ और अपने आई लिड पे डायरेक्ट अपने हाथों से ही ब्लेंड कर दे रही हूँ. और यहाँ पे अपना ब्रश का ज़रूरत है नहीं कुछ, तो मैं अपने दोनों आईज़ पे लगा दे रही हूँ.
और एक शिमरी शेड ले रही हूँ जो कि लाइक थोड़ा सा मेरा आईज़ को हाईलाइट कर दे, बस थोड़ा थोड़ा इनर कॉर्नर्स में बस। देन मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का स्केच आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, तो ये पूरा जेट ब्लैक आईलाइनर है, तो आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही स्मूथली। यहाँ पे मैं थोड़ा सा थिन लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप जैसे अपने आईलाइनर को यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे मेबलिन कॉलोसल का वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और ये मस्कारा मेरा फेवरेट है, अच्छा वॉल्यूम देता है अपने आईलैशेस को। तो मैं यहाँ पे कोई फेक आईलैशेस यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं तो मुझे फेक आईलैशेस का ज़रूरत नहीं है। तो या सो मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का काजल यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ अपने वाटर लाइन में लगा दूँगी। देन मैं यहाँ पे हुला ब्यूटी का स्टिक हाइलाइटर यूज़ करूँगी जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था। ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर का हाइलाइटर है, आप ऐसे हाइलाइटर आपको स्टोर सब में मिल जाएगा तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं अपने हाथों से ही ब्लेंड कर दे रही हूँ इसको, फिर उसके बाद अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं सब चीज़ को सेट कर दूँगी अच्छे से। उसके बाद मैं माई ग्लैम का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, वो पिंक शेड में है। देन मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे लिप्स को एक अच्छा स्ट्रक्चर दे दे और मैं उसका आउटलाइन अच्छे से बना दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा मेकअप ऑल डे एकदम मस्त रहे, और आप ऐसे ही मेकअप फिक्स कर सकते हो अपना। उसके बाद मैं मेरे को मेरा हाथ सब बहुत ड्राई फील कर रहा था तो मैं यहाँ पे बोरोप्लस का बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ और अपने पूरे हैंड्स में अच्छे तरीके से लगा दे रही हूँ, एंड आई फील गुड। एंड देन मैंने सोचा कि थोड़ा सा लिप ग्लॉस क्यों नहीं लगाया जाए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा लिप ग्लॉस लगाने के बाद, इट फील्स सो हाइड्रेटेड एंड सो गुड। एंड दिस इज माई लुक नंबर 1। And this is my look number 2. And this is my look number 3. So which was your favorite look? Do let me know in my comments. So it's outfit time.
पे मैंने अपने मेकअप को आपको सनलाइट में दिखाया। इट इज़ सुपर नेचुरल एंड ब्यूटीफुल इन सनलाइट। सो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो मेकअप एंड डू टैग मी इन माय इंस्टाग्राम इफ आप अगर आप ऐसे लुक कैरी करना चाहते हैं तो। और मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा आपका फेवरेट लुक कौन सा था। सो यस आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो। एंड या मीट यू सून, बाय बाय।